अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, माय नेम इज उमैर अंसर एंड आई एम द फाउंडर ऑफ एडवोबाइट्स डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। लास्ट वीडियो में आप लोग सीख चुके हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और कैसे डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करके आप लोग पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि डिजिटल मार्केटिंग किन मीडियम्स को यूज़ करके की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स इसको कह लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग के टर्मिनोलॉजी कह लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग की कैटेगराइजेशन कह लीजिए, फ्री में डिजिटल मार्केटिंग किस तरह की जाती है और पेड डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो डिजिटल मार्केटिंग के चैनल्स में हमारे पास सबसे पहले है SEO। SEO क्या है? SEO है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप सर्च इंजन को बताते हैं कि यूजर जो सर्च कर रहा है इंफॉर्मेशन वो यहां पर पड़ी हुई है मेरे चैनल पर। अब वो आप इंफॉर्मेशन आपके YouTube चैनल पर पड़ी हो सकती है, वो आपके Facebook पेज पर पड़ी हो सकती है, कोई ब्लॉग हो सकता है, आपका Google बिजनेस लिस्टिंग हो सकती है या आपकी वेबसाइट भी हो सकती है। जो यूज़र ने चीज़ सर्च की वो अगर आपके पास अवेलेबल है, मतलब आपने उस सर्च से रिलेटेड कोई कंटेंट बना के इंटरनेट पर डाला हुआ है, तो यूज़र जब सर्च करे तो आपका कॉन्टेंट उसे फर्स्ट पेज पर मिले। आप कोई भी सर्च जाकर गूगल पर कीजिए, लेट्स से आप सर्च करते हैं कि बेस्ट मोबाइल इन पाकिस्तान या बेस्ट मोबाइल इन इंडिया, तो आपके पास ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे। उन रिजल्ट्स में सबसे पहले 1, 2, 3 तो ऐड होंगे। ये वो लिंक्स हैं जिन पर पैसे लगाए गए हैं, पैसे लगाकर ये आपको लिंक्स दिखाए जा रहे हैं पहले पेज पर। इनसे आप थोड़ा सा नीचे आए ना तो आपके पास कुछ वेबसाइट्स आएंगी। ये वेबसाइट्स फ्री में गूगल आपको दिखा रहा है, मतलब इनके ऑनर ने कोई पैसे नहीं गूगल को दिए कि ये वेबसाइट्स वो गूगल आपको पहले पेज पर दिखाए। इन वेबसाइट्स की SEO अच्छे तरीके से की गई है। लेट्स से कोई बंदा जाकर गूगल पर या यूट्यूब पर सर्च करता है कि डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स, तो अगर मेरी वीडियोज़ की, मेरे चैनल की अच्छी SEO हुई होगी ना, तो यूट्यूब, गूगल या कोई भी प्लेटफॉर्म मेरी वीडियोस या मेरा चैनल सबसे पहले आपको दिखाएगा। ये होती है SEO, जिसमें आपको पैसे नहीं लगाने पड़ते लेकिन ऑर्गेनिकली यूज़र आपके वेबसाइट तक, आपके पेज तक, आपके कंटेंट तक आता रहता है। इसको बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद जो आपके पास चीज़ आती है वो है SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। आपने फर्स्ट SEO में जब सर्च की थी गूगल पर कोई, तो आपके पास पहले 2-3 एड्स आए थे ना, उसी तरह आप जब YouTube पर भी आजकल सर्च करते हैं तो आपके पास सबसे ऊपर एक आधी वीडियो आती है, जो आपने सर्च की है उससे ही रिलेटेड को वो वीडियो होती है। वो क्या है? वो पेड एड है। सर्च इंजन मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, हम Facebook को, Google को, इनको पैसे देते हैं कि ये मेरी चीज़ है, अगर कोई बंदा इसको सर्च करता है ना तो ये दिखा देना उसको, मैं आपको पैसे दूंगा लोगों को दिखाने के। आप पैसे देके अपना कंटेंट मार्केट करते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है SMO। SMO क्या है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह सर्च इंजन की ऑप्टिमाइजेशन आपने की थी, उसी तरह अब आप सोशल मीडिया की भी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे। इस कोर्स में हम करने क्या वाले हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। इस कोर्स में हम ये करेंगे कि हम एक स्क्रैच से नई कंपनी बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे, उसकी डोमेन खरीदेंगे, उस पर एड्स लगाएंगे, उसकी ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी। डिटेल में एक कंपनी को हम चलाने की कोशिश करेंगे इस कोर्स के दौरान ही, और उस कंपनी से हम कोई 1-2 ऑर्डर्स भी पकड़ेंगे, ताकि इस कोर्स के दौरान आपको पता लग जाए कि जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ इनसे आप कमा सकते हैं। ठीक है, अब SMO सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन क्या है? अब सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है कि आपने हर जगह अपने अकाउंट्स बनाए और उन अकाउंट्स की अच्छी से SEO की, कि वो अकाउंट्स आपके एक तो सर्चेबल हों, सेकंड उन पे इंगेजिंग कंटेंट हो। इसमें क्या चीज़ें देखी जाती हैं कि आप पोस्टिंग कर रहे हैं, क्या कंटेंट डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पर, इंगेजिंग कंटेंट है कि नहीं है। आप ऑफर्स डाल सकते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, या लाइक, शेयर, टैग करें अपने 5 दोस्तों को और ये प्रोडक्ट आप फ्री में हासिल करें। ये मार्केटिंग के कुछ टैक्टिक्स हैं जो हम कोर्स में आगे चल के सीखेंगे, जब हम एक अपना लाइव डेमोंस्ट्रेशन में करूँगा एक पेज बनाकर और उस पर इस तरह के ऑफर्स लगाकर। ये होगी सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, आपके सोशल मीडिया के सब अकाउंट्स ऑप्टिमाइज्ड हों। इसके बाद आ जाती है SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग की ही तरह सोशल मीडिया मार्केटिंग भी पेड होती है। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पेड एड्स चलाते हैं, लेकिन इस बार ये वो चीज़ नहीं होती कि यूज़र कोई सर्च कर रहा है तो उसको आपका ऐड दिखाया जाएगा। इसमें क्या होता है कि यूज़र सर्च नहीं कर रहा, लेकिन यूज़र के डेमोग्राफिक्स देखे जाते हैं कि यूज़र आजकल क्या कर रहा है। आप बताते हैं अपने मीडियम को, लेट्स से फेसबुक को आप बताते हैं कि मुझे इस तरह के लोगों को अपना ऐड दिखाना है।
फेसबुक को उनकी एज बताते हैं आप, उनका आजकल का इंटरेस्ट बताते हैं आप, फिर अपने ऐड को आप प्लेस करते हैं। अब जब यूज़र सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर रहा होगा, आप लोगों को सबको पता है कि हर बंदा ही सोशल मीडिया पर है और वो अपना दिन का ज़्यादातर टाइम भी सोशल मीडिया पर स्पेंड करता है। तो ऐसे लोगों को जब आपका ऐड नज़र आएगा अपने सोशल मीडिया फीड को स्क्रॉल करते हुए, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करेगा, एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो कॉन्टैक्ट करेगा ना। इसको हम बोलते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। इसके बाद और लास्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है ईमेल मार्केटिंग या व्हाट्सएप मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग क्यों करते हैं और किनको करते हैं? पहले दो तीन तरीकों में तो आप लोग उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो लोग आपको नहीं जानते। अब ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग में आपने अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को भी मेल्स भेजनी होती हैं उनके साथ इंगेज रहने के लिए। आप व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, ईमेल मार्केटिंग करते हैं। ईमेल मार्केटिंग सिंपल सा ये है कि आपने ईमेल लिस्ट एक रेडी करनी है। वो लिस्ट कैसे रेडी करेंगे ये भी हम इस कोर्स में सीखेंगे। उस लिस्ट पे आपने अपनी प्रमोशनल ईमेल्स करनी है। वो आपकी प्रमोशनल ईमेल्स भी हो सकती हैं, वो आपकी कुछ इंगेजमेंट के लिए ईमेल्स भी हो सकती हैं, जिससे आप इंगेज रहें अपनी ऑडियंस के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ, ताकि आपका कस्टमर आपको भूल ना जाए एक बार आपसे सर्विस लेकर। ठीक है, इसको बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। ये कुछ कैटेगरीज हैं डिजिटल मार्केटिंग की जिनका आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के हमने इन्हीं चीज़ों को सीखना है, तो इन चीज़ों का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बनाएंगे एक कंपनी स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो से एक कंपनी को हम बनाएंगे, उसका लोगो, उसका बैनर्स, उसकी पोस्ट वगैरह, उसका सोशल मीडिया अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, गूगल पर उस कंपनी को कैसे लेकर जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी सीखेंगे कि कंपनी का नेम कैसे रखना है, जो नेम इजीली सर्च हो जाए सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर ना, या गूगल के ऊपर कोई बंदा सर्च करता है तो रैंकिंग में आपका नाम आए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो से हम प्रॉपरली कोर्स का आगाज़ कर देंगे, जिसमें डिटेल में हम एक एक चीज़ को सीखेंगे। जैसा कि मेरा आपसे प्रॉमिस है कि ये कोर्स बाकी कोर्सेज की तरह टाइम पास नहीं है, या फिर सिर्फ ये वो चीज़ें नहीं है जो मैं आपको सिखा दूँ और उसके बाद कहूँ कि भाई अब आपकी लक है। ये कोर्स गारंटीड वो कोर्स है जो आपने एक बार कर लिया तो आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई और कंटेंट देखने की ज़रूरत नहीं होगी इंशाल्लाह। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।